अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप के ज़रिए टाइगर फोर्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये अप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैं रात के 1:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये अप्लीकेशन काम कर रही है। तो अभी जो है मज़ीद इस अप्लीकेशन के ज़रिए जो जो स्टेप हमें मिलेंगे उसके ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है इसमें कैसे अप्लाई करना है। और इसके अलावा इस पर सिर्फ वही अप्लाई करें जो कि इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। ये वॉलंटियर फोर्स है। कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई इसकी सैलरी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको पैसे दिए जाएंगे। ये एक वॉलंटियर फोर्स है, आपने इंसानियत के लिए काम करना है। मे बी गवर्नमेंट आपको जब ये आपको जो है इसमें आपको रुख्सत करना चाहें तो तब आपको कुछ इनाम दे दें या फिर कुछ आपको सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि ये आपको जो है फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं वही इस पर अप्लाई करें, और जो फिजिकली फिट हैं वो इस पर अप्लाई करें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऐसा पेज हो जाएगा। और उसके बाद आपने पाकिस्तानी शहरी पर क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा पेज होगा। यहाँ पर आपने अपना जो है नंबर इंटर करना है, बिना जीरो के आपने अपना नंबर इंटर करना है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके सामने जो है ऐसा मैसेज हो जाएगा, इस पर लिखा गया है कि हम आपके साथ किसी भी मवासलात के लिए इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करेंगे, शुक्रिया। तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज होगा। यहाँ पर 3 स्टेप है जो कि आपने कम्प्लीट करने हैं। पहले स्टेप में आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और आपने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो है नाम भी लिख लेता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेता हूँ और जेंडर भी सिलेक्ट करके जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप पर आपने अपना यूजर नाम लिखना है, जिस नाम से आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने पासवर्ड लिखना है, और कंफर्म पासवर्ड जिस पासवर्ड के जरिए और यूजर नेम के जरिए आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बाज़ दफ़ा आपको ऐसा कह देते हैं कि आपका ये जो नाम है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने नाम के साथ कुछ भी नंबर लिख देने हैं, जैसे कि मैंने 507 लिखा है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। तीसरे स्टेप पर आपने जो है अपना CNIC नंबर लिखना है, तो वो अभी मैं लिख लेता हूँ। CNIC नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, और नीचे आपने अपना जो है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पर जो है लिख देना है। स्टेप नंबर 3 आपने जो है कंप्लीट करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा मैसेज ओपन हो जाएगा, तो आपने अलाउ पे क्लिक कर लेना है। आपकी एप्लीकेशन आपके सामने जो है ओपन हो जाएगी। ये अभी आपने जो है इस एप्लीकेशन में रजिस्टर किया है, अभी टाइगर फोर्स पर अप्लाई करना रहता है। जिन भाइयों ने इस एप्लीकेशन पर पहले ही रजिस्टर किया हुआ है तो वो सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा इससे आगे वो जो है टाइगर फोर्स पर अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस पर अप्लाई करने के लिए आपने रेड सर्कल पे क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन ओपन होगा बिकेम आर टाइगर, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपने अपना फुल नाम लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड पर हो, और नीचे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, और उसके नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट ना हो तो आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और नीचे आपने जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो ये सारा डाटा मैं अभी यहाँ पर जो है फिल कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ स्टेटस, तो इस पर आपने फिट लिखना है। अगर आप फिट हैं तो आप इस पर वही अप्लाई करें जो कि फिजिकल और मेडिकल फिट हैं, तो वही आप अप्लाई करें। हेल्थ स्टेटस देने के बाद आपने अपना स्किल लिखना है कि आपके पास कौन सा स्किल है। तो ये भाई जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ड्राइवर हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ड्राइवर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी ज़ुबान है, इंग्लिश या उर्दू।
तो वो आपने जो है सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपको ये लोकेशन ओपन करने को बोलेगा, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट आपने अलाउ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद तहसील, फिर प्रोफेशन और फिर क्वालिफिकेशन। तो मैं यहाँ पर ये सारा जो है डाटा यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफिकेशन तक मैंने सारा डाटा इसमें फिल कर लिया है। नीचे उसके आपने सिटी लिखनी है, और उसके नीचे आपने अपनी यूनियन काउंसिल, और फिर जो है आपने अपना एड्रेस। तो मैं ये सारा डाटा अभी जो है इसमें फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सारा डाटा फिल करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख चुके हैं CRT टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एज अ वॉलंटियर ऑफ PM, वजीरे आजम के रजाकार की हैसियत से दरख्वास्त देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद आपने जो है बैक आ जाना है, आपका जो है टाइगर फोर्स पर आपका अप्लाई जो है वो हो चुका है। तो इस तरह से आपने इस पर अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर ज़िंदगी ने वफा की। अल्लाह हाफिज़।